प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि एक लड़का है राजू, उसके वालिद जो है उसके सामने प्लेट में 3 लड्डू रखते हैं और 2 लड्डू रखते हैं और राजू से कहते हैं कि तुमको एक प्लेट का लड्डू खाना है। वो ललचाई निगाह से किधर देखेगा? जिधर लड्डू ज्यादा होगा उधर देखेगा ना, तो इधर देखेगा, तो उसका मुंह ललचाई निगाह से किधर खुलेगा? इधर की तरफ खुल जाएगा, इधर की तरफ देखेगा ही नहीं। अच्छा अभी बताइए कि इधर 3 लड्डू हो गए, 2 लड्डू थे, अब हमने एक लड्डू इधर और बढ़ा दिया, इधर भी 3 हो गए, अब इधर भी 3 हो गए, अब राजू किधर देखेगा? अब तो बीच में फंसा हुआ है, इधर देख रहा है ना इधर देख रहा है, समझ में बात आ रही? अच्छा एक बात हो, अब इधर एक लड्डू और बढ़ा देते हैं, अब इधर हो गए 4, इधर हो गए कितने 3, अब इधर ज्यादा है इधर ज्यादा है, अब राजू किधर देखेगा? ललचाई की निगाह से इधर देखेगा नहीं, इधर देखेगा अपनी ललचाई की निगाह से इधर की तरफ देखेगा। अच्छा ठीक है, अब हम आप लोगों को एक सवाल देते हैं, जैसे कि इधर है 3, इधर है 5, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, सबक 2 में एक चीज पढ़ेंगे, छोटे और बड़े अदद पे निशान लगाना, ठीक है? तो जिधर ज्यादा रहेगा उधर की तरफ मुंह खुल जाएगा। जैसे कि ये 2 अदद है, अब ये कौन सा अदद बड़ा है, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? नहीं समझ में आ रहा है, लड्डू वाली बात याद है? जी हाँ, ये 5 है ये 3 है, तो ये मुंह किधर खुलेगा? इधर खुलेगा। अच्छा ठीक है, अगर हम इधर 8 लिख देते हैं और इधर 3 लिख देते हैं, अब मुंह किधर खुलेगा? जी हाँ मुंह इधर खुलेगा, लड्डू वाली बात याद है ना आपको? ठीक है वेरी गुड। अच्छा अब इधर 4 है, अब इधर 4 है, अब वो किधर देखेगा? कंफ्यूज है, नहीं इधर देख रहा है नहीं इधर देख रहा है। तो इस तरह का निशान, बराबर का निशान हम लगाते हैं। तो आज हम सबक 2 में यही पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अददों के दरमियान छोटे और बड़े का निशान लगाते हैं। आइए अब हम आपको एक मश्क देते हैं, अपनी कॉपी में करके दिखाएंगे। तो बच्चों ये है सवाल आपके सामने, एक तरफ 25 है एक तरफ 30 लिखा हुआ है, दरमियान में कौन सा निशान लगाना है वो आपको लगाना है। एक तरफ 10 है एक तरफ 200 है, एक तरफ 30 है एक तरफ 500, एक तरफ 65 है एक तरफ 700, एक तरफ 900 एक तरफ 39, एक तरफ 1 है एक तरफ 800। अब इन सवालों को आप अपने नोटबुक में करिए और करके मुझे दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।